Don't you know, it is getting hard. Assalamu alaikum. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस वक्त सुबह मेरे ख्याल में कोई 6 बज रहे हैं और आपका भाई जो है पूरी रात नहीं सोया, क्योंकि आपका भाई पिछले कुछ दिनों से थक ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, सिर्फ एक जगह बैठा हुआ है, खा रहा है, पी रहा है, इंजॉय कर रहा है। तो आपके भाई को नींद ही नहीं आती अब रातों को। तो अब सोच रहा हूँ कि व्लॉग की तरफ आएँ, कुछ क्रिएटिव करने की सोचें। एक मेरे पास पूरा दिन होता है जिसके अंदर मैं एक अच्छा व्लॉग बना सकता हूँ। तो बस फिर शुरू करते हैं। अभी अभी मैंने सुबह उठ के सबसे पहले अच्छा काम किया कि पौधों को पानी दिया ताकि वो फ्रेश हो जाएं। और एक पौधा तो एक दो गमले तो ऐसे जिनके अंदर से बहुत प्यारे प्यारे फूल निकलते हैं जब सूरज थोड़ा सा ऊपर जाता है। अभी सिर्फ सूरज जो है वो तलू हो रहा है, थोड़ी देर में इंशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे फूल नज़र आएंगे, मैं आपको दिखाऊँगा। और उसके बाद अगर तो मैं थक गया या मुझे नींद आ गई तो मैं सो जाऊंगा, वरना फिर मैं नहीं सोऊंगा पूरी रात। फिर रात को सोऊंगा ताकि जल्दी सो जाऊं और फिर जल्दी उठ सकूं अगले दिन। हमारा जो गार्डन है वो भी माशाल्लाह दोबारा से काफ़ी अच्छा खिल गया है। पहले गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मेरे ख्याल में 42-46 डिग्री जो है वो टेम्परेचर रहने लग गया था दिन में, जिसकी वजह से जो हमारे पौधे या हमारा जो हमने मेहनत करके अपना छोटा सा एक गार्डन बनाया था वो सारा मुरझा गया था गर्मी की वजह से। पौधे जो हैं वो सारे के सारे जल गए थे, जिसके ज़र्रात अभी भी आपको नज़र आ सकते हैं हमारे इस पौधे के अंदर। ये आप देख सकते हैं हमारी कद्दू की बेल, जिसके ऊपर पहले हम लोग कोई 5-6 कद्दू उगा चुके हैं, लेकिन अब जो है ये मुरझा चुका है और अब इसके जो नए पौधे हैं, जो नए पत्ते हैं वो निकल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमें दोबारा इसमें से भी फल या फूल या सब्ज़ी जो भी कह लें आप, वो हमें मिलेगी इंशाल्लाह। उसके अलावा हमारे गार्डन में जो है, छोटे से गार्डन में ये भिंडी भी माशाल्लाह निकला, ये भिंडी भी निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता, आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, जैसे छोटी सी भिंडी एक निकला है, ऐसे बहुत ज़्यादा और भी निकली हुई हैं, जैसे एक ये निकल रही है और भी इस तरह बहुत ज़्यादा भिंडी के पौधे लगे हुए हैं जो निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, इसके ऊपर भी 3-4 भिंडियाँ लगी हुई हैं। ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होगी, खैर वो मैं आपको फिर कभी दिखा दूंगा जब ये थोड़ी सी बड़ी होंगी, थोड़ी आसानी से देखने में नज़र आ जाएंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि पहले भी दिखाने की वजह से शायद नज़र लगी थी हमारे पौधों को और हमारे पौधे जो हैं वो सारे के सारे मुरझा गए थे। सारे A to Z हमारे पौधे जो हैं वो मुरझा गए थे, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, 0/0 हो गए थे। लेकिन खैर, उसके अल्टरनेटिव एक ये हमारे पास बेल निकली है जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बेहतरीन किस्म की जा रही है, बिल्कुल ऐसे A1 जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाली जो बेल है ये भी जल्दी ही अपना रंग दिखाएगी और देने की कोशिश करेगी सब्ज़ी। जैसे मेरे ख्याल में ये इसके ऊपर निकल रही है, ये आप देख सकते हैं, शायद ये निकले, या शायद हो सकता है कि इसके ऊपर भी टाइनी ही निकले एक और, तो आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, इंजॉय करो। बस याद होगा कि इस पौधे पे जो है वो एक अदद शरीफ, बैंगन शरीफ साहब उगे थे, लेकिन वो भी सारा गर्मी की वजह से ख़राब हो गए। और आपको दिखाता हूँ कि ये रहे वो बैंगन शरीफ जो बेचारे ख़राब हो गए, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। फिर हमने इसको उतार दिया, हमने कहा काश कि ये सही लग जाता और हम अपना पहला बैंगन अपने घर में लगा और पहला बैंगन खाते, स्वाद ही आ जाता, लेकिन गर्मी को कुछ और ही मंजूर था, खुदा की कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तो गाइस, धूप जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अभी बस मैं नीचे जा रहा हूँ, जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा टीवी देखते हैं, उसके बाद जो है वो मेरे फादर शरीफ भी उठ जाएंगे और उन्होंने जो है वो ऑफिस जाना है, क्योंकि उनका तो सैटरडे को ऑफिस होता है, फ्राइडे को उनकी छुट्टी होती है, लेकिन सैटरडे उनका ऑफिस ज़रूरी है भाई। तो उनके उठने का इंतज़ार करते हैं, फिर उनके साथ नाश्ता करेंगे और फिर देखेंगे कि आगे क्या हालात और मामला। मैंने कोई 16 एपिसोड बनाए थे स्लैब फाइटिंग चैम्पियनशिप के, मुझे बनाने में पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो मेरा टाइम पास हो जाता था। और लेकिन लोगों की रिक्वायरमेंट एक व्लॉग की होती है, एक अच्छे व्लॉग की, तो मैं बस वो बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास थोड़े से इक्विपमेंट्स की कमी है, जैसे मेरी एक स्टैंड की ज़रूरत है, एक लाइट वगैरह की ज़रूरत है जिससे मैं अपने कमरे में लगा के एक अच्छा सा व्लॉग क्रिएट कर सकूँ। तो इन दो चीज़ों की तो मुझे अच्छा ज़रूरत है, अगर जितनी जल्दी ये मिल जाए ना उतना अच्छा है, लेकिन जो हमारी तनख्वाह है ना वो रुकी हुई है। हमारी तनख्वाह को मेरे ख्याल में कोई 12 दिन हो गए कि 12 दिन लेट है हमारी तनख्वाह, जिसकी वजह से है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वरना अभी तक जो है मैंने अपना सामान वगैरह पूरा ले लिया होना था, लेकिन 12 दिन हो गए हमारी जो पे है वो लेट हो गई है। इस दफ़ा शिट सीन हो गया ब्रो, शिट सीन हो गया।
तो यार इस वक्त जो है वो दिन के 3:50 हो रहे हैं और मैं जो हूँ नीचे आने के बाद सो गया था क्योंकि कमरे में एसी चल रहा था। फिर एसी किसको नहीं अजीज, और मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। उठा हूँ, उठ के फिर मैं फ्रेश फ्रेश हुआ हूँ और इस वक्त मैं खा रहा हूँ खरबूजा, क्योंकि नाश्ते का तो टाइम है नहीं ना, दोपहर के खाने का टाइम है क्योंकि 4 तो हो रहे हैं। फादर साहब मेरे आने वाले हैं, बस वो आ जाएं और फिर हम लोग खाना शाना खाएंगे। लेकिन अभी पेट को कुछ चाहिए तो मैंने कहा कुछ हेल्दी हो जाए, खरबूजा। खरबूजे के अंदर आपके भाई ने डाला है जामी शीरी, ये देखो इफ यू नो, तो ये पिंक पिंक सा है, इंजॉय करो। मैं बस ये खरबूजा खा लूँ, उसके बाद मैंने एक रील बनानी है। रील का काम भी मैंने शुरू किया, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है बहुत अच्छा इरफान जुनेजो को देख के। इरफान भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने आपकी एक रिसेंट वीडियो देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा उसके ऊपर तो हम भी वीडियो बना सकते हैं सेम कंटेंट के साथ, बस उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करेंगे ताकि वो बिल्कुल ही उलट हो जाए। तो बस फिर मैंने वो कंटेंट वगैरह लिख लिया, स्क्रिप्ट मैंने तैयार कर लिया, बस मुझे 2-3 जगह पे जाके वीडियो रिकॉर्ड करनी है और उसके बाद रील मेरी तैयार। स्क्रिप्ट मैंने पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बस फिर सॉरी इरफान भाई, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरी ये वीडियो देखेंगे या मेरी वो रील देखेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप मुझसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगे, आप मुतमईन होंगे इंशाल्लाह अगर आपके पास मेरी रील पहुँचती है तो। तो यार हम लोग जो है अपने कमरे को खाली करने लगे हैं और ये सारा जो बेड का सेट है सारा हटा के इसको हम अपने कमरे को बनाने लगे हैं, अभी डाइनिंग रूम इस कमरे को तो छूट लिए। बेड की जो है आपने एक साइड भी खोल लिया, अब रह गई वो वाली साइड, उसको भी खोलते हैं इसी के साथ। तो बस फिर आयो मेरे नाल। कमरा जो था, जो हमारा कमरा था ऑफिशियली जिसके अंदर हमने ट्रॉफियाँ वगैरह सजाई हुई थी, इसको हमने कर दिया खाली। इधर हम रखेंगे डाइनिंग टेबल जो हमारा नीचे पड़ा हुआ है, वो खाली शीशा ही कुर्सियाँ जिसकी पड़ी हुई हैं खाली खाली, वो इस कमरे में आएगा। और हम जो खाना लेके नीचे भागते थे आप स्कूल से इसी जगह पे बैठ के खा सकते हैं। तो बस फिर ये लगा ले, सेटिंग वेटिंग कर ले, फिर सेटिंग करने के बाद दिखाता हूँ कि कमरे का। अच्छा तो यार सेटिंग वगैरह हमने कर लिया, ये हमारे कमरे की फाइनल लुक है। और ये टेबल मैंने इसलिए इधर छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे ही आप मैं वीडियो बनाया करूँगा, मेरे पास एक बहुत ही थोड़ी जगह हो गई है। लेकिन खैर क्योंकि असल में मुझे लेके आना था ये बैकग्राउंड पीछे, आजकल जो मैं एक दूसरा चैनल भी चला रहा हूँ जिसके ऊपर मैं क्रिकेट पर एनालिसिस करता हूँ, जो मौजूदा क्रिकेट ना पास ना फ्यूचर, जो प्रेजेंट में जो क्रिकेट चल रही है उसके बारे में बात करता हूँ। अगर आप उसके बारे में या उस चैनल के बारे में या अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड कुछ भी जानना है या क्या कुछ चल रहा है क्रिकेट की दुनिया में, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप जाकर मुझे दूसरे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका नाम मोहम्मद तौसीक के नाम से। चैनल का मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बस ये आज की हमारी मेहनत थी, मुशक्कत थी जो आज हम लोगों ने की। ये हमारा टेबल था जिसके ऊपर बैठ के, और शायद हो सकता है कि मैं इसके ऊपर ही बैठ के वीडियोज़ बना लिया करूँ क्योंकि जगह तो है, काम तो आएगी। तो बस फिर वीडियो करते हैं पे खत्म। होप यू लाइक द वीडियो, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल अगले व्लॉग में। अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।